नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं चक्रव्यू। देश में 2022 के लिए सियासत का चक्रव्यू तैयार हो रहा है। वजह, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड सहित वो राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक नुकसान यानी कि नेताओं की अदला बदली या पार्टी का वजूद खत्म कर उसकी विलय करा देना, ऐसे प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को खतरा है। दोनों दलों के भीतर ऐसे लोग मौजूद हैं जो चक्रव्यूह रचने से के महारथी हैं। ये लोग जितना राजनीतिक नुकसान दूसरी पार्टी को पहुंचा सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी पार्टी को भी पहुंचा सकते हैं। दरअसल ऐसा में दिल्ली आए हुए हैं। विधायकों की दलील माने तो वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अपने छत्तीसगढ़ दौरे की अवधि में विस्तार करें ताकि ज्यादा विधायकों का इसका फायदा हो सके। कहीं ना कहीं जो विधायक अब दिल्ली आए हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर, वो अवधि को लेकर बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन ये जग जाहिर है कि कांग्रेस में जो नेता होते हैं, जो सांसद होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आलाकमान से शिकायत इस बात की रहती है कि उनकी बात आलाकमान तक नहीं पहुंच पाती या आलाकमान उनकी बात को नहीं सुनता, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती। ये नाराजगी कहीं ना कहीं हर उन राज्यों से सामने आती है जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। तो ऐसे में अब कुछ ही दिनों में, बता दें, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ का दौरा भी करने वाले हैं, लेकिन इतनी मामूली बात के लिए एक दर्जन से ज्यादा विधायकों का रायपुर से दिल्ली आना कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडितों को हजम नहीं हो रहा। और इसीलिए बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि जो विधायक रायपुर से दिल्ली पहुंचे हैं वो इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि वहां पर परिवर्तन कराने की बातें चल रही हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर अब जो फॉर्मूला तैयार किया गया था, उस फॉर्मूले के हिसाब से टीएस सिंहदेव को उपकुर्सी मुख्यमंत्री पद की मिल जानी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिली। और इसीलिए निश्चित रूप से इस दौरे की वजह कुछ और ही विधायकों की निकाली जा रही है। ऐसे में राज्य में मुख्यमंत्री बनने की आस लगाए बैठे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बातचीत में यह कहा कि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या चर्चाएं हो रही हैं। नेतृत्व में बदलाव पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बदलाव की बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये बात खुल चुकी है। जब पिछली बार विधायक गए थे ये बात खुल गई थी और कोई ना कोई ऐसी बहस चल रही है। और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि जो हो सकता है कि विधायक अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में गए हो, भले ही वो कह रहे हैं कि विकास कार्यों के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि विकास कार्य दिखाने के लिए राज्य में बुलाने का दायित्व मुख्यमंत्री का है और उन्होंने आमंत्रण पहले से ही दिया है। दरअसल अपने बयानों के जरिए टीएस सिंहदेव पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी बहस जरूर चल रही है। वहीं रामानुजन गंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने कहा कि तकरीबन 15 से 16 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं और अलग अलग जगहों पर वो सभी विधायक इस समय रह रहे हैं। हम सब राहुल गांधी से उनके दौरे को बढ़ाने के लिए कहने आए हैं और इसे किसी और रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं भगेल कैंप से माने जाने वाले विधायक बृहस्पत सिंह ने कहा कि नेतृत्व में बदलाव का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच टकराव की खबरों को खारिज कर दिया है। देखिए, टकराव की खबरों को खारिज जरूर किया होगा, लेकिन धुआं जहां उठता है वहां जरूर कोई चिंगारी होती है, ये सब जानते हैं। और इसीलिए जो खबरें सामने आ रही हैं, जो बार बार इस चीज की बातें सामने आ रही हैं, परिवर्तन की जो बातें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे पंजाब में बीते कई महीनों से चला आ रहा है। हालांकि अब देखिए, अगर पंजाब में और बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी का वोट बैंक भी कहीं ना कहीं पंजाब में घटता हुआ जा रहा है। और ऐसे में उधर कैप्टन अमरिंदर की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर भी अब पंजाब में एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने इस बात का बीते कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले वो अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे थे कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चलिए, इसी बीच एक बार फिर से सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। भूदेव जी, आपसे मैं सवाल कर रही थी कि अब देखिए कांग्रेस में जो चल रहा है वो हर कोई जानता है, सिद्धू मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और आलाकमान भी इस बार सिद्धू को मनाने में नहीं बैठा है। लेकिन इस बीच सिद्धू ने ये ट्वीट किया आपसे थोड़ी ही देर पहले कि पद रहे ना रहे, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। किस तरह से इसे लिया जाए? जी देखिए, ये
पार्टी का एक इंटरनल मैटर है, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टी के अंदर ये इस्तीफा देना, कुछ ऊंच नीच ये सब चलता रहता है। मेन बात है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपने पैनल ही टीवी तो नहीं चला रखा? इको हो रही है? नहीं, मेरे पास नहीं कोई टीवी चला है। भूदेव जी आपके पास एकदम क्लियर आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो फिर मैं बता रहा था कि देखिए कोई सी भी पार्टी हो उसके अंदर इस तरह का दौर चलता रहता है, लेकिन आज आज देखने को क्या मिल रहा है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे आप पार्टी हो, अकाली दल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इनको कांग्रेस की फिक्र अधिक हो रही है। कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है ये इनको फिक्र अधिक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वहां के लोगों की फिक्र है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में पंजाब के लोगों के लिए काम कर रही है। अब किस पार्टी में इस्तीफे नहीं होते? अरे कांग्रेस पार्टी में तो एक लोकतंत्र है जो अपनी मर्जी से इस्तीफे देते लोग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। भूदेव जी, मैं पूरी सारी बातों का आपको जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में तो 5 महीने में 7-7 बार इस्तीफे दे दिए गए। आप ये देखिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन भूदेव जी इस तरह से कभी नहीं होता। भूदेव जी, इस तरह की लड़ाई कभी बीजेपी में नजर नहीं आती। ये जरूर हुआ है कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। देखिए अभी गुजरात में आपने देखा पूरा का पूरा कैबिनेट ही बदल दिया गया, मुख्यमंत्री तो छोड़िए पूरा कैबिनेट बदल दिया गया। अब सिद्धू जी साफ तौर पे कह चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर गुजरात में कभी किसी ने विरोध नहीं किया। आप जी, मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में, लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है, इसलिए ये सारी बातें बाहर निकल के आती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो दो आदमियों की पार्टी है, अडानी अमित शाह और मोदी की, हम दो और हमारे दो की जो पार्टी है, उसमें किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। वहां इस्तीफे ले लिए जाते हैं चुपचाप। और यहाँ देखिए कि हम पंजाब में, सबको पता है कि आज देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, इस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है। और हमारे नेता जो राहुल गांधी है, इन लोगों की आवाज सड़क से संसद तक उठा रहे हैं। कोरोना के समय आपने देखा कि भारतीय युवा कांग्रेस के सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई, जबकि जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, अपनी जान को बचा करके घरों में बैठे थे। तो आज पूरे देश के युवा, देश के लोग कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं, इसलिए इन दूसरी पार्टियों को फिक्र है कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी में कौन इस्तीफा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। पंजाब में जो मैनिफेस्टो के 96% वादों को पूरा कर दिया गया है, 4% के लिए काम चल रहा है, उनको भी पूरा कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले चन्नी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी बोला कि हम पंजाब के लोगों की मदद करने के लिए काम करते रहेंगे। बिजली बिल माफ करना हो, चाहे लोगों को परमानेंट करना हो, या जो सेना पे शहीद होने वाले जवान हैं उनके लिए 50 लाख रुपए देना हो, या MSP को 360 रुपए तक जो बढ़ाना हो, तो पंजाब के लोगों के लिए काम पंजाब सरकार कर रही है। वहां हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ना उत्तर प्रदेश में आ रही है, ना छत्तीसगढ़ में, ना राजस्थान में, ना गुजरात में, ना पंजाब में, तो इसलिए इनको ये फिक्र हो रही है हमारी कांग्रेस पार्टी की। जी भूदेव जी, अब मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। आपने राहुल गांधी के बारे में कहा कि राहुल गांधी जनता की आवाज उठाती है, संसद में भी उठाई, ये ठीक है, अच्छी बात है कि राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन फिर पार्टी क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी अपने नेताओं को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक युवा होने के नाते भी मैं बताता हूँ कि राहुल गांधी जी पहले भी कई बार बोल चुके हैं और अभी भी वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से डरते हैं वो कांग्रेस छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ वही रहेगा जो नहीं डरेगा। तो इसलिए जिसको जाना है वो जाए, जिसको आना है वो आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम इलेक्शन जीतेंगे या हारेंगे। देश के लोगों के जो मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। हम देश के लोगों को आपस में तोड़ने का काम नहीं करेंगे, देश को बनाने का काम करेंगे। आप आवाज उठाइए, आपका काम है, आप आवाज उठाइए, लेकिन पहले पार्टी में जो अंदर चल रहा है उसे तो समेट लीजिए। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आपने जाने की बताया। क्या देश के जो युवा है वो पार्टी के अंदर नहीं आ रहे? कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेमानी जैसे युवा आज पार्टी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि देश के जो आज हमारा भारत देश युवा शक्ति वाला देश है, और आज युवा हमारे जो देश के युवा है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं।
क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का जो धोखा किया, जो वादा किया था, जो झूठे सपने दिखाए थे, वो उनके सपने टूट चुके हैं और वो जान चुके हैं कि ये केवल और केवल आपस में लड़वाने वाले लोग हैं। इसलिए आज इन पार्टियों को कांग्रेस की अधिक फिक्र है, अपनी पार्टी में क्या चल रहा है इसके लिए नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पूरे देश में एक बार फिर से आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। चलिए ठीक है, भूदेव जी आपके पास आऊंगी। बीजेपी प्रवक्ता विजय खरे खेरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी एक बात बताइए, पंजाब में जो कांग्रेस में चल रहा है ये सबको पता है, इससे बीजेपी को कुछ फायदा मिल सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में? लेकिन अब जो चल रहा है, बार बार ये बात आ रही है जी, दूसरे लोग इसमें क्यों फायदा उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा ये इंटरनल मामला है। एक पार्टी का अध्यक्ष ये कहता है, अब सब सुनिएगा सिद्धू जी के जी। क्या कहता है कि सरकार में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। अध्यक्ष कह रहा है सरकार को खुले आम अखबार में बैठ के, प्रेस में कह के, मीटिंगों में कह के ये सरकार गलत कर रही है, बिल्कुल कांग्रेस के सिद्धांत से नहीं चल रही है, अपनी ही सरकार को। मैं एक उदाहरण देता हूं क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे चंद्रभान गुप्ता जी उत्तर प्रदेश में, वन मंत्री आया था बुंदेलखंड में, उसने खाली ये बोल दिया था पब्लिक मीटिंग में, हमको मालूम है कि जंगल काटे जा रहे हैं जी। इतना बोलने पर इस्तीफा ले लिया गया था, चंद्रभान गुप्ता ने तुरंत इस्तीफा मांग दिया था कि तुमको मालूम है कि सरकार जंगल काटे तो उसमें सरकार में रहने का अधिकार है। अब सुनिए, पार्टी का अध्यक्ष अगर राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अमरिंदर सिंह ठीक नहीं चला रहे हैं और सब गड़बड़ के अंदर ये हो रहा वो हो रहा, दुनिया भर की बुराई कर रहे हैं, तो उसे रहने का। इतना नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि नवजोत सिंह के बोलने के बाद उनको बजाय अध्यक्ष से इस्तीफा मांगने के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से इशारा था कि आप इस तरह बोलो, तंग करो मुख्यमंत्री को, हम नहीं हटा पा रहे, मुझे एक जरिया चाहिए। वो जरिया इस्तेमाल किया गया। मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने टीवी पे ये बात 2 महीने बोली थी और मैंने एक आर्टिकल में द इंडिया में लिखा भी था कि जल्दी ही ये हटाए जाएंगे, और ये भी लिखा था कि अमरिंदर सिंह के पास कोई चारा नहीं होगा, ये पार्टी बनाएंगे। हमने टीवी पे JK24 पे बोला था और बाद में इस्तीफा भी हुआ और पार्टी भी बनाएंगे, बिल्कुल यही चारा ही था उनके पास। जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना के भेजा, तब उन्होंने उनकी बुराई की, अपनी ही सरकार की बुराई कर रहा अध्यक्ष, देखिए फिर उसका मुख्यमंत्री बना तो अपने ही मुख्यमंत्री की फिर बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने DG गलत बनाया है, वो बेईमान है। आप कह रहे हैं कि वहां दूसरी पोस्टिंग जिसकी की है एडवोकेट जनरल की, उसको हटाओ, ये आदमी ठीक नहीं है। अरे तुम्हें हटाना है तो मुख्यमंत्री से बात करो, अपने घर में जाके बात करो। जो आप ही उनके चुने हुए लोगों को बदनाम कर रहे हैं, जिनको सिलेक्ट कर रहा मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि वो चोर है, वो ठीक नहीं है, फिर कमीशन हटाओ, DGP हटाओ। अगर ये अध्यक्ष बोलेगा पब्लिक में तो वो कैसे मुख्यमंत्री सरकार चलाएगा? जनता बिल्कुल बेवकूफ है क्या? लोग समझते नहीं है कि क्या हो रहा है पार्टी में जी। आपका जिस पर कल नाश कर रहे थे आप, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जीता के लाया हैवी मार्जिन से, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसको आपने सिर्फ इसलिए हटा दिया कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को उससे खतरा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खतरा है। जितने लोग जैसे जितने भी लोग वीरप्पा मोइली सुनिए, कितने जितने सीनियर लोग थे उनको कट लाइन, गुलाम नबी आजाद कट लाइन, ताकि सिर्फ चंपू किस्म के 10 पति या 10 जनपद के जितने हाजिरी वाज है उतने खाली रह जाए नेता। विजय जी गलत शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, आप गलत शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, ये चंपू शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप आज जानते हो कि देश के युवाओं की आवाज उठा रहे हो? देखिए आप नहीं, ये डिबेट का कोई मुद्दा नहीं है, ये बहुत सीनियर पर्सन है और इनको बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ये क्या चंपू शब्द क्या होता है? आप डिबेट में बैठे हुए चैनल पे या फिर मजाक चल रही है? नहीं, ये बोलने का क्या तरीका है आपको? ये आपको बोलने का क्या तरीका है? अगर आपको कोई चंपू बोलेगा आपको कैसा लगेगा? आप तरीके से बात कीजिए, आप तरीके से बात नहीं, आप बोल सकते हैं, हम लोगों को ये बोलना नहीं सिखाया है, हम ये नहीं बोलते हैं, हम गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे।
हम गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको डिबेट करनी है आप सही लहजे में डिबेट कीजिए। इस तरह की अगर गलत भाषा का आप उपयोग करोगे तो आपके पास आपके साथ हम डिबेट नहीं करेंगे। नहीं नहीं आप इस तरह की भाषा का डिबेट में उपयोग नहीं कर सकते। नहीं आपने कैसे बोल दिया चंपू, आपने चंपू कैसे बोल दिया, नहीं आपने चंपू कैसे बोल दिया। पार्टी के अंदर क्या हो रहा है ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आप क्या करोगे, नहीं आप क्या करोगे, आप क्या करोगे देश की। देखिए अगर इसी दो इसी तरह से आप दोनों बोलेंगे किसी की बात समझ नहीं आएगी। आप तय करोगे, आप तय करोगे कि किसको उठाना है किसको नहीं उठाना है। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। यहाँ पे पूरे सुनिए मैडम, आप 15 मिनट तक इनका लेक्चर सुना हम लोगों ने, बोर हो गए 20 मिनट तक फालतू का लेक्चर। आप भी विजय जी, विजय जी आप भी रुक जाइए, भूदेव जी रुक जाइए, आपको समय दिया जाएगा। नहीं इनको भूदेव जी आपको समय दिया जाएगा, मैं आपके पास आऊंगी। गलत भाषा का इस्तेमाल किया हम बिल्कुल भी डिबेट नहीं करेंगे। अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे काफी वृद्ध पर्सन है, इनको ये तमीज होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को किस तरह से बोलना है। आज विपक्ष के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी और आप इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हो। आप जो मर्जी कह लेना आप, उसके बाद नहीं क्या क्यों कह लेंगे, हमको नहीं कहना है ना, हमको ये चीज नहीं आती है ना। चलिए ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। जय दीक्षित जी भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, आप दोनों को ही वो सुन रहे हैं। देखिए विजय जी रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा। जय दीक्षित जी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय जी आप बताइए जो पंजाब कांग्रेस में चल रहा है, आपको क्या लगता है कि कहां जाकर किस मोड़ पे जाकर ये लड़ाई खत्म होगी? अरुण जी मैं अपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था जी। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने बोला है कि जो डरा है वो कांग्रेस से बाहर चला जाए जी। डर डर के ही तो कांग्रेस खाली हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, देश का युवा कांग्रेस के साथ है। गुरुदेव जी दिक्कत नहीं, राहुल गांधी भी छोड़ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बीच में नहीं बोला, बीच में बात करना ब्रो। विजय जी आप शांत रहिए, आपको बोलना नहीं आता है क्या मतलब है? आपको समय दिया गया था, जय दीक्षित जी को बोलने दीजिए। आप शांति से मेरी भी बात सुनिए, इंडिपेंडेंट है ना, उनको बोल ले। ठीक है सुना देते हैं। ठीक है हम सुन रहे हैं जी। आप दोनों मेरी बात सुनिए, आप लोग जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। बोलिए जय दीक्षित जी। मैं आपके शब्दों को ही भूदेव जी रिपीट कर रहा हूँ। आपने कहा कि आपके राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, अगर इतने सजग नेता थे तो उत्तर प्रदेश से भाग के केरल क्यों जाना पड़ा? अगर इतने ज्यादा इतने स्थापित नेता थे तो राहुल गांधी जी यहाँ से भाग के केरल क्यों चले गए? पहली चीज। दूसरी चीज कि आप कहते हैं कि जो डरे वो कांग्रेस में ना रहे। कांग्रेस की नेतृत्व इतनी कमजोर हो चुकी है कि आज के डेट में कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर कांग्रेस के नेतृत्व की कोई सुनता नहीं है। आप देखिए नवजोत सिंह सिद्धू अपना बयान देते हैं, अमरिंदर सिंह जी जब कैप्टन थे तो अपना बयान देते हैं, चन्नी जी आके वापस दिल्ली बैठ जाते हैं, उसके बाद फैसला ये होता है कि जब तक डीजीपी और एडवोकेट जनरल को नहीं हटाया जाएगा तब तक मैं अपने इस्तीफा को वापस नहीं लूंगा। आप इसको प्रेशर पॉलिटिक्स समझिए। नवजोत सिंह सिद्धू आज के नेता नहीं है। 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, 2004 से 2014 तक लगातार अमृतसर का प्रतिनिधित्व किया और सांसद रहे। 2014 में जब अमृतसर के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया तब भी उन्होंने एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेली थी और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का एक प्रेशर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बना के भेजा और वहां पे भी वो 3 महीना नहीं टिक पाए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद उन्होंने एक आवाज़े पंजाब, आप लोगों को पता होना चाहिए, आवाज़े पंजाब नाम की एक मोर्चा उन्होंने बनाया, एक पार्टी बनाई पंजाब के लिए, और वो भी 3 महीने में 4 महीने नहीं चला पाए। उसको छोड़ के 2017 में राष्ट्रीय कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वहां पे भी बैठ के आज के डेट में नवजोत सिंह सिद्धू जी प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे और पंजाब को अपने तरीके से चलाना चाह रहे थे। क्योंकि इसका फायदा क्या है, कांग्रेस नेतृत्व जो है वो कमजोर है। सोनिया जी कोई डिसीजन नहीं ले रही है जबकि वो आपकी कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी पीछे से बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। इतने बड़े चुनाव के ऐन वक्त पहले
एक ऐसे स्थापित नेता का इस्तीफा आपने लिया जिन्होंने 1999 से लेकर 1917 तक लगातार पंजाब कांग्रेस का नेतृत्व किया हो, जिन्होंने कांग्रेस को पंजाब में स्थापित किया हो, मैं अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, और उससे आपने चुनाव के एन वक्त पहले इस्तीफा ले लिया। जातिगत आंकड़े के आधार पे आप लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक से, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं उनको आपने अध्यक्ष बना दिया, और उसके बाद चन्नी जी जो एससी वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, जातिगत समीकरण सांते हुए आप लोगों ने चन्नी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री के बनने के बाद आपने ध्यान दिया होगा नवजोत सिंह सिद्धू उनके कंधे पे हाथ रख के अमृतसर के स्वर्ण टेम्पल मंदिर जाते हैं, उनका हाथ पकड़ के लेके स्वर्ण टेम्पल मंदिर जाते हैं। इससे क्या सिद्ध होना चाहता, वो ये दिखाना चाहते थे कि अब कांग्रेस की, पंजाब कांग्रेस की जो पंजाब की सत्ता का कमान है वो अब मेरे हाथ में रहेगा, मैं ऊपर बैठ के पर्दे के पीछे से सरकार चलाऊंगा। पहली चीज, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो है कमजोर है, वो इसका प्रेशर पॉलिटिक्स करके नवजोत सिंह सिद्धू उसका फायदा उठाना चाहते हैं। पारुल जी, मैं दूसरी बात जो असली चीज से मैं ले जाना चाहूंगा, कांग्रेस आज के डेट में किसानों के मुद्दा जो बेआधार है, आप 4.5 साल में किसानों को कुछ नहीं कर पाए। आप कहते थे कि 95% काम हो गया, मैं कहीं न्यूज पढ़ रहा था कि पिछले 3 साल से जो योजनाएं थी वो कांग्रेस पंजाब में लागू नहीं कर पाई जी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 95% काम हमने कर दिया वादे के अनुसार? अगर आपको करना था तो 4.5 साल पंजाब की जनता से बिजली माफी का जो वादा लेके आए थे। खैर सर, खेड़ा साहब एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। अगर 95% आपने काम कर दिया था तो बिजली का मुद्दा आज कैसे आ गया जो एन वक्त चुनाव के 3 महीने पहले? आज के डेट में पंजाब जब आप 2017 चुनाव में आए थे तो 4 बहुत बड़े मुद्दे थे जी। धर्म परिवर्तन का मुद्दा था, पंजाब नशा मुक्त का मुद्दा था कि पंजाब को नशा से मुक्त करेंगे जी। पंजाब में घुसपैठ सीमा सुरक्षा का मुद्दा था, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि जो राज्य सरकार के अधीन आती है जी। और चौथा जो बेरोजगारी का मुद्दा था, 4 मुद्दे पंजाब में 2017 में पार्टियों के मुख्य मुद्दे थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी चूंकि पंजाब में कभी भी बड़े भाई के रोल में नहीं रही, वहां शिरोमणि अकाली दल के साथ उन्होंने समझौता करके 20 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई है शिरोमणि अकाली दल के साथ, लेकिन कांग्रेस वहां प्रमुख पार्टियों में रही है। वहां आम आदमी पार्टी ने डेब्यू किया था जिसने उड़ता पंजाब नाम के कैंपेन चला के उन्होंने पंजाब में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की थी। 112 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने 2017 में चुनाव लड़ा था, 20 सीट जीत के आए थे। आपको नहीं लगता कि 2017 में अमरिंदर सिंह जैसा चेहरा ही सामने था जिन्होंने 117 सीटों पे चुनाव लड़के 77 सीट कांग्रेस को दिलाई, और वो इस सम्मान के लायक नहीं थे कि क्या केंद्रीय नेतृत्व या जो प्रदेश के प्रभारी है उनसे बैठ के बात कर सके? चलिए ठीक है, कांग्रेस एक कांग्रेस अमरिंदर सिंह कांग्रेस के स्थापित नेता थे। पारुल जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट में क्लोज कर रहा हूँ। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह एक स्थापित नेता थे और उनको कहीं ना कहीं द्वेषिता के बल और कमजोर नेतृत्व के बदौलत उन्हें नजरअंदाज किया गया है, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी पारुल जी, चलिए भूदेव जी, देखिए बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए भूदेव जी। बिल्कुल पारुल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगा था कि जय दीक्षित जी एक निष्पक्ष होकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बारे में बोलेंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी अघोषित रूप से अब बीजेपी के प्रवक्ता ही उनको कहना ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी की भाषा बोली है। सर सर सुन लीजिए, सर पहले सुन लीजिए, सर आप सुन लीजिए, मैंने आपका सुना, मैंने आपका शांत होकर के सुना। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी भी है, आप सुनिए, मैंने सुना, आपने कहा, मैंने पूरा सुना, आप भी सुनिए। आपने कहा कि किसानों का कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि किसान दिल्ली की सीमाओं पर डला हुआ है, जिसको आप आतंकवादी बोलते हो, खालिस्तानी बोलते हो, शर्म आनी चाहिए, ये बीजेपी की भाषा है, किसान इस देश के किसान नहीं है, क्या बात करते हो आप? और दूसरी बात, आप बार बार किसान कौन है वहाँ, सब दलाल, अरे इनको उठाइए ना यार डिबेट से, दलाल है वो, शर्म नहीं आती है इनके साथ डिबेट करने का, क्या मतलब है जो देश के किसानों को दलाल बोल रहे हैं? इनको शांत कीजिए पहले, इनको शांत कीजिए, इनको शांत कीजिए पारुल जी, इनको शांत कीजिए। अगर ये इस तरह की बातें करेंगे जिन पर बोलने का तमीज नहीं है, जो किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी और दलाल बोलते हैं, ऐसे लोगों को आप डिबेट में बुलाते हो, इनकी उम्र देखिए कितनी है और फिर इस तरह की बातें करते हैं ये।
भूदेव जी आप रखिए अपनी बात। आप अपनी उम्र देखो, हम आपसे बहुत जवान हैं, हम अपनी उम्र देखो। देखिए हाँ बिल्कुल, आप बहुत जवान हो। अब देखिए, इन्होंने बार बार कहा कि केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर है, तो मैं आपको देखो उसका हाथ गायब है आपकी। अरे क्या बातें करते हैं पारुल जी, कहाँ डिबेट का क्या मुद्दा है और ये क्या चल रहा है? विजय जी, अगर मुद्दे पे बात करें तो सही है। आप मुद्दे पे, आप भी मुद्दे से मत भटकिए। मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, वो सुन ही नहीं रहे। और देखिए इन्होंने नहीं, आप बोल लीजिए पहले, मैं उसके बाद बोलूंगा। आप बोलिए बोलिए, नहीं 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 विजय, पहले भूदेव जी जो कह रहे हैं, पहले पहले विजय जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है, बोलने दीजिए। आप बोलिए विजय जी, उसके बाद मैं बोलूंगा जब आप नहीं बोलोगे। बोलिए बोलिए भूदेव जी, आप बोलिए। खाली ये कह रहा था, आपको क्या जरूरत है उनके ऊपर व्यक्तिगत कमेंट करने की? जो मर्जी बोल रहे हैं उनकी मर्जी है, उनको जो ठीक लगता है। अगर आपकी मर्जी, आपकी भाषा बोले तो बहुत अच्छी। नहीं, मैंने व्यक्तिगत कमेंट नहीं किया है, मैंने व्यक्तिगत कमेंट नहीं किया है, मैंने ये बोला है कि ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। भूदेव जी आपने साफ तौर पर ही बात कहा कि इनको बीजेपी का प्रवक्ता ही कहना चाहिए। बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल अगर, मैंने अगर, कहा है जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए, मुझे लगा था कि निष्पक्ष होकर के इनको दोनों पार्टियों की बातें इनको बताना चाहिए। वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो जाते हैं, जिसको खालिस्तानी बोल रहे थे। देखिए प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू जी थे नवंबर 2018 में, जो खालिस्तानी गोपाल सिंह चावला जो खालिस्तानी सपोर्टर है, उसके साथ आपके प्रदेश अध्यक्ष की फोटो बहुत तेज वायरल हुई थी। आप किसको खालिस्तानी फोटो? नहीं नहीं, ये बताइए कि देश की आंतरिक सुरक्षा, अरे जो भी सुनिए, देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा किसके हाथ में है? ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के हाथ में है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के हाथ में है, तो गृह मंत्रालय इस पे कार्रवाई करे। इस तरह से आप नेशनल मीडिया में बैठ करके या किसी भी चैनल पे बैठ के ये अफवाहें क्यों फैलाते हो? अगर किसी का किसी के साथ फोटो वायरल हुआ तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए जो मुद्दे हैं उन पे बात कीजिए। आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो गया है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि अगर केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता ना, तो कमजोर अगर होता तो कभी न तो अमरिंदर सिंह जी को जाने देते, न सुद्धी जी को। यहाँ राहुल गांधी जी पहले ही भी बोल चुके हैं कि जो डरता है वो कांग्रेस से बाहर जा चुका है, जा सकता है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या अमरिंदर सिंह जी हो या फिर आपके सिद्धू जी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ती है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का हो, किसानों का हो, चाहे हम सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हारना या जीतना, अगर आपने कहा कि दो जगह से चुनाव क्यों लड़े, हमें बिल्कुल मंजूर है। अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव हारे, हमने जनता के जनमत को स्वीकार किया, लेकिन हम इस तरह का देश को तोड़ने का, देश को जाति आधार पर ध्रुवीकरण करने का, धर्मों के आधार पर बांटने का काम हम नहीं करेंगे। अगर हमें काम करने का मौका मिलेगा काम करेंगे। पंजाब में 96% मैनिफेस्टो के काम हो चुके हैं। ठीक है भूदेव जी, अब मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि आप मुद्दों पर लड़ते हैं और पार्टी से किसी को भी जाना है, इस्तीफा देना है, दे सकता है, राहुल गांधी ने भी कहा है जो आपने अभी कहा, लेकिन आपको नहीं लगता यही केंद्रीय नेतृत्व तो मजबूत है? ठीक है सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो ये उठापटक सियासी, ये जो इस्तीफे दिए जाते हैं और फिर कोई पार्टी में आ रहा है कोई नहीं आ रहा, इससे पार्टी कमजोर होती है? ये इसलिए क्योंकि पंजाब ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। अच्छा पारुल जी, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, 5 महीने में 7 बार एक मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया गया। येदियुरप्पा जी गए, यह ना गोवा के जो सीएम थे उनको, उनसे इस्तीफा लिया गया। तो ये हर पार्टी के अंदर इनका इंटरनल मैटर होता है, ये हर पार्टी में ऊंची नीच इस्तीफा होता रहता है, बिल्कुल 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 चलता है। अभी गुजरात में अगर इस्तीफा लिया तो क्या फिर मेरी भी बात, बीजेपी में वो मैटर कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन कांग्रेस में ये लंबा खिंचता है। अभी देखे छत्तीसगढ़ में भी काफी टाइम से ये चल रहा है कि उधर भूपेश बघेल जो है वो और टीएस सिंहदेव के बीच में जो घमासान चला हुआ है, वो कह रहे हैं कि मुझे कुर्सी चाहिए, क्योंकि 2.5 साल का फॉर्मूला वहां पर तय किया गया था। देखिए पारुल जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां पर हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की हम दो हमारे दो की पार्टी नहीं है, कि अमित शाह और मोदी जी की पार्टी अडानी और अंबानी के लिए डबल ए की सरकार नहीं है ये। यहाँ पे हर किसी को, कार्यकर्ता तक को अपनी आवाज रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार है।
अब गुजरात में इस्तीफा लिया गया, वो दो दिन में इसलिए था कि उनको जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया, उनको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ तो हर किसी को जब तक अपनी बात रखने का अधिकार है, जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो जाते तो ये मुद्दा चाहे लंबा चले, हमारा काम है पंजाब के लोगों के लिए काम करना, जो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया, कोई असर नहीं पड़ेगा इससे, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी को फिक्र हो या ना हो, दूसरी पार्टियों को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि कांग्रेस में किसने इस्तीफा दिया किसने नहीं दिया, तो वही चीज है, इसीलिए इसको इतना लंबा खींचा जा रहा है कि यहाँ पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये ट्वीट कर दिया या ये कर दिया। अगर कोई और नहीं रहा, देश के खींच रहे हैं इस बात को, देश के और आपकी पार्टी खींच रही है। आज देश में गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई अपने चरम स्तर को छू रही है, बेरोजगार लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं, किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, ये मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं। केवल और केवल अगर पंजाब में एक प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उसको मुद्दा इतना बड़ा बनाया जाएगा, क्यों? क्योंकि बात चुनाव है, इनके पास में सिर्फ मुद्दों से भटकाने का, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर दो, उसको बेच दो, आप देश के लोगों को ये डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों में भटकाते रहेंगे और देश को बेचने का ये काम करते रहेंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश की जनता जान चुकी है। ठीक है, अब विजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोल कुछ रहे, आप रोकिए ना जी, बोलिए विजय जी। मैं कह रहा हूँ कि आप पंजाब की बात कर रहे थे, अब इन्होंने इसमें कृषि बिल और एयर इंडिया की बात करी, तो पहले बिल्कुल करेंगे, बता देता हूँ इनको। सुनो ना, अब आप साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसने बेचा, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड किसने बेचा, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसने चौपट किया, क्या बात कर रहे हैं? आपको कुछ पता भी है? कांग्रेस ने तो सभी कुछ बेच दिया, नहीं कांग्रेस ने तो कुछ बनाया ही नहीं है, कांग्रेस ने तो कुछ जो नेशनलाइजेशन किया बैंकों का, ये किसने किया? एम्स बनाए, ये किसने बनाए? ये किसने बनाई जो आज आप बेचने का काम कर रहे हो? इसी एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन किसने किया था? एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन किसने किया था? आप सुनो पहले, आप ये बताइए ना, आज हमारे इतने बड़े देश में अपनी खुद की कोई एयरलाइंस नहीं है। सुनो ना बाप, आप सुनिए ना बाप, एयर इंडिया तुमने छेड़ा, कृषि बिल तुमने छोड़ा, सुनो है? किसने इसका नेशनलाइजेशन किया था? उसी टाटा सन से लेकर के, क्या आप झूठी झूठी बातें करते हो? नहीं 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 नहीं, गलत तरीके से डाट पे मत आइए, बिल्कुल गलत। आपको जब तक नहीं पता है कि क्या किया, इस देश को बनाने का काम किया, छोड़ दीजिएगा, आप मेरी बात सुनिएगा, यानी बता दीजिएगा, मैंने ये कहा है, बोलने दीजिए, आपको समय दिया गया था, देखिए सब, हाँ जी, आप बोलिए, समय दिया गया था, आपने बोला, अब विजय जी की बारी है, उन्हें बोलने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, बोलिए विजय जी। कांग्रेस के समय में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड बिका, साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिका, इनको सब पता नहीं इसलिए बता रहा हूं मैं, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिका, एयर इंडिया अरबों के घाटे में चला गया। एक बात पर आप जो मर्जी बोले, हम तो सीना ताक के कहते हैं कि सब बेच देंगे, सब बेच देंगे, एक नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा घोषणा पत्र है, सरकार धंधा व्यापार नहीं करेगी, ये भ्रष्ट अधिकारियों के अड्डे और नेताओं के भाई भतीजावाद के जितने अड्डे हैं ये सब बंद कर दिए जाएंगे, सरकार चलाएगी, धंधा व्यवसाय नहीं करेगी, धंधा व्यवसाय में कमीशन खाने नहीं देगी लोगों को, ये जितने कॉर्पोरेशन थे इनमें कोई नियम सरकारी नहीं चलता है, खुद नरेंद्र डायरेक्ट आता है, और इसीलिए अडानी की संपत्ति बढ़ती गई, देश के 90% लोगों की सैलरी कम होती गई, कांग्रेस पार्टी में सारे टाइम कांग्रेस पार्टी ने सब घाटे में चलाए, हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा घोषणा पत्र है, जनता ने LIC घाटे में थी, LIC घाटे में थी, RBI घाटे में थी, करेंगे, शर्म नहीं आती आपको झूठी झूठी बातें बोलते हुए? अरे कहाँ से बोल रहा है ये, किस तरीके से बातें कर रहा है? नहीं नहीं, शांत कीजिए इनको, इस तरह की बातें नहीं करिए, शांत कीजिए इनको, अगर अगर मुद्दे की बात करनी है तभी आप दोनों बोलिए, दिमाग क्या खा रहे हैं, बीच में ये बोल रहे हैं, सुनते ये नहीं है, आप हमसे बोले नहीं तो आप गलत सूचना, गलत सूचना क्यों दे रहे हो? आप गलत क्यों बोल रहे हो? सही से बात कीजिए ना, पूरे देश का आम नागरिक, आप सुनिए ना पहले, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, फिर जवाब दीजिएगा, हाँ बोलिए 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 बोलिए, इन्होंने छेड़ी एयर इंडिया, मेरी आवाज बात सुनो, हम घोषणा पत्र में कह के आए थे हम निजीकरण करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का उसूल है ये, हमने निजीकरण किया, जनता ने हमें मोहर लगाया, इसके बाद हमने जब नोटबंदी की थी तब हमें हजारों लाखों गालियां दी, मेरी नोटबंदी पर जनता ने द्वारा और तगड़ी मोहर लगाई और लोकसभा के MP भेज दिए और इनको 56 पे कर दिया, 52 पे कर दिया, 46 पे कर दिया,
तो आप बताइए जनता किसको रिजेक्ट करे जा रही लगातार, ये तो जनता की बात है। अब खुद की बात इनकी सुनिए, अभी सिंधिया जी के पास 27 MLA थे, आपने उनको राज्यसभा नहीं दिया, आपने 2 महीने राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया, एक आदमी से जुड़ा जिसके नेतृत्व वो कितने दिन इंतजार करेगा। कपिल सिब्बल ने बोला बोलने की आजादी, कपिल सिब्बल कर जब बोले तो पूरे के पूरे लोग हमला करने के लिए पहुंच के जी बोलने की आजादी है। जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना था तो संगमा साहब ने विरोध किया था, शरद पवार ने विरोध किया था, तारिक अनवर ने, तीनों को काला 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 पोस्टर पोस्टर से निकाल दिया कांग्रेस, ये इनके यहाँ बोलने की आजादी है। गुलाम नबी आजाद बोले थे, गुलाम नबी आजाद को फौरन टिकट काट दिया राज्यसभा का, ये इनके यहाँ आजादी है। 23 जी में बोले आनंद शर्मा को एक दरकिनार कर दिया, मनीष तिवारी को दरकिनार कर दिया, सबको सड़क पे कर दिया, जिनका आजादी है। बंगाल में चुनाव तक में स्टार प्रचारक किसी को नहीं बनाया इनमें से, जे इनकी आजादी बोलने की, बोलने हमारी आजादी है, ये बोलने की आजादी है कांग्रेस पार्टी में। वो अमरिंदर सिंह जी अभी ये जो कह रहे थे, जो भी है पर्यवेक्षक जी विशेषक जी, अमरिंदर सिंह का इतिहास बता रहे थे, उस इतिहास का जवाब नहीं है। इन्होंने खुद कहा कि 95% काम हो गए थे, तो काहे हटाया, जब 95% वो कर चुके थे तो क्यों हटाया। खाली इसलिए कि नवजीत सिंह को इसलिए प्रतिबाधित किया गया था, ही वाज प्लांटेड देयर, इस पर्पस से प्लांट किया गया था कि अमरिंदर सिंह को हमको हटाना है। इसी तरीके से हम आपको, हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी जिस समय हुडा को अध्यक्ष बनाया, अगर 2 महीने पहले बनाते तो शायद सरकारों का बड़ा तगड़ा संघर्ष होता, लेकिन हुडा की पॉपुलरिटी लोकप्रियता कांग्रेस से उसको दूर हटा दिया गया। वीरप्पा मोइले लॉ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके, वो कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के दावेदार हो चुके थे, इसलिए उनको हटा दिया, वीरप्पा मोइले को हटा दिया। हर उस आदमी को हटा देते हैं जो जरा भी राजनीति में ऊपर है, क्योंकि राहुल गांधी का रास्ता क्लियर करना है। हमने कहा कि जो 10 जनपद में जाते हैं लोग, सिर्फ उन्हीं का भविष्य हुआ कांग्रेस में, नेतृत्व खत्म इसलिए हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है विजय जी, अब मैं जय दीक्षित जी के पास जाऊंगी और आप दोनों से प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें बोलने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा, बोलिए जय दीक्षित जी। थैंक यू पारुल जी, अभी मैं अपने कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जी, अगर कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और पंजाब में भारतीय कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का ही प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि पंजाब के हितों की कमी से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जी क्या परिवार का झगड़ा कमरे के अंदर बैठ के नहीं सुलझाया जा सकता था? लेकिन ऐसा नहीं किया गया, परिवार का झगड़ा कमरे से बाहर आया, एक कमजोर नेतृत्व का परिचय पहला। दूसरा, आपने ग्रुप 23 का नाम सुना होगा, कांग्रेस में एक ग्रुप बना है जिसका नाम ग्रुप 23 रखा गया, जिसमें कपिल सिब्बल जी, मनीष तिवारी जी, आनंद शर्मा जी, गुलाम नबी आजाद जी, वीरप्पा मोइली जी जैसे बड़े दिग्गज नेता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया और आज भी वो बेचारे कांग्रेस में है। लेकिन आपको ध्यान दिया होगा कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर कपिल सिब्बल जी ने एक बार सवाल उठाया था तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके घर के आगे जाके प्रदर्शन चालू कर दिया। ये लोकतांत्रिक पार्टी कैसे हो सकती है? कांग्रेस का एक नेतृत्व, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक सबसे पुराना लीडर, अगर इस तरीके का अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है था तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उसके दरवाजे पर प्रदर्शन कराना कांग्रेस नेतृत्व का कमजोर होना प्रदर्शित करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम आज पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में जातीय समीकरण को इस बार तरीके से साधा गया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कहीं से कहीं तक नहीं है। पिछली बार उन्होंने मात्र 23 सीटों पे शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ा था। लगातार वोट बैंक बीजेपी का घटता ही जा रहा है पंजाब में, घटता सीटों पे इन्होंने अपनी विजय प्राप्त की थी, 23 सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने और 94 सीटों पे शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव लड़ा था। जी। और मेरे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे कि हमने 95% काम अगर कर दिए हैं तो भाई पंजाब से आज नशा का सबसे बड़ा मुद्दा है, नशा सबसे बड़ा कारक है पंजाब का, आप उससे कुछ नहीं कर पाए। आप बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राज्य सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ नहीं कर पाई, वहां पे लीडरशिप है पंजाब में। तीसरा घुसपैठ का मुद्दा है, धर्म परिवर्तन का मुद्दा है, लगातार पार्टी तो फैल रही है, शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने एन चुनाव के एन वक्त के पहले एक स्थापित चेहरे को बदल दिया। जी, हमें दिखाएंगे कि देखो जी अब ये नहीं है मुद्दा, ये एक चुनाव कहीं या कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश। बिल्कुल,
चलिए ठीक है, जय दीक्षित जी, जय दीक्षित जी, आपको पारुल जी एक छोटा सा आंकड़ा और ले लीजिए, पारुल जी एक आंकड़ा ले लीजिए जिसके ऊपर ये चुनाव देखिएगा, आज नहीं कल जी डाइवर्ट होगा और जातिगत आंकड़े को एक बार दोबारा रिपीट किया जाएगा जी। लगभग 31% ओबीसी पंजाब से आते हैं जी, जो एससी वर्ग है, दलित वर्ग है, जो लगभग 32% के आसपास पंजाब में है जी, जिससे चन्नी जी आते हैं मुख्यमंत्री बनाए गए जी, जातिगत आंकड़े को साधने के लिए जी। और जो 33% के आसपास का आंकड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक का है, जिसमें सिद्ध जाट, खत्री, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य पूरे आते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, वो 33% है, जिससे रजत सिंह सिद्धू आ रहे हैं। तो एक बार फिर जातिगत आंकड़े को आधार बना के पंजाब राजनीति को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जय दीक्षित जी, जय दीक्षित जी, ठीक है आपको मैंने सुन लिया, आपको यही रोकना चाहूंगी क्योंकि समय मेरे पास कम है। भूदेव जी आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, क्या आप कांग्रेस को नहीं लगता कि नवजोत सिंह, आपको आवाज नहीं आ रही भूदेव जी मेरी, ये गड़गड़ हो रही है, मतलब डबल आवाज आ रही है, गूंज रही है आप, चलिए ठीक है आपसे बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। विजय जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, देखिए पंजाब में कांग्रेस में जो चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मुश्किल है अभी, वो इसलिए क्योंकि बीते कई सालों की बात करूं तो बीजेपी का वोट बैंक पंजाब में घटता जा रहा है। चलिए शायद कोई टेक्निकल इशू की वजह से आवाज मेरी नहीं जा पा रही है, तो ऐसे में पंजाब में जो अब सियासी घमासान मचा हुआ है वो कहाँ जाकर रुकेगा, किस मोड़ पे जाकर रुकेगा, ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि ना तो नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा मंजूर किया गया है और ना ही नवजोत सिंह सिद्धू मानने के लिए तैयार है, और इसीलिए कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस कमजोर होती हुई नजर आ रही है। मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी बोलिए। नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है जी, कैसे, एक तरफ कांग्रेस आला कमान को प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अपना कुछ पर्दे से पीछे बैठ के पंजाब सरकार चलाना चाहते हैं जी, और उन्होंने मुद्दा बनाया है पंजाब के डीजीपी और एडवोकेट जनरल को बदलने का जी, कि पंजाब के हित के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूंगा, और दूसरे एंगल से अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें जी, तो आम आदमी पार्टी पिछली बार 112 सीट पे चुनाव लड़के 20 सीट पे जीत के आई थी जी, आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में कोई बड़ा चेहरा नहीं है जी, तो सिद्धू के दूसरे हाथ में जो लड्डू है वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके पंजाब का बिल्कुल बिल्कुल जय दीक्षित जी, आप सही कह रहे हैं, इसके संकेत पहले भी सिद्धू दे चुके हैं इस बात के संकेत, क्योंकि 2016 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जब अरुण जेटली जी चुनाव लड़े थे 2014 में जी, तो 2016 में भी यही भक्ति थी कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूंगा, और आज तक आम आदमी पार्टी पंजाब में एक बड़े चेहरे की खोज में है, भगवंत मान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो नशे में संलिप्तता को लेकर कई बार उनके वायरल वीडियोज हुए जिसको लेकर उनका चेहरा थोड़ा धूमिल हुआ, तो एक नया समीकरण जो नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में देखने को मिल रहा है वो ये है कि अगर आला कमान और नवजोत सिंह सिद्धू की बात नहीं मानता तो कल के डेट में वो आम आदमी पार्टी के साथ जाके कांग्रेस आम आदमी पार्टी का पंजाब में चेहरा बनके मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते जी। पारुल जी जी चलिए जय दीक्षित जी, एक नया समीकरण है जी, ठीक है भूदेव जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, समय भी यहाँ पर पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ऐसे में अब पंजाब में जो ये सियासी घमासान पूरा मचा हुआ है, सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, दूसरी तरफ आलाकमान इस बार सिद्धू को मनाने के बिल्कुल भी मूड में नजर नहीं आ रही है, लेकिन सिद्धू ने अभी इस थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें साफ तौर पर सिद्धू ने ये लिख दिया कि पद रहे या ना रहे लेकिन मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। इसके और ज्यादा एक अलग मायने निकाले जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि सिद्धू पार्टी भी छोड़ सकते हैं, सिद्धू की अब वापसी नहीं होगी क्योंकि आलाकमान भी मनाने के मूड में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अब सिद्धू शायद नरम हो रहे हैं, सिद्धू मानने के लिए तैयार हो गए हैं, वो इसलिए क्योंकि कल भी चन्नी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, अभी तक वो नहीं साफ हो पाया कि क्या बातचीत उन दोनों के बीच में हुई थी, लेकिन आने वाले दिनों में पंजाब में कांग्रेस का क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।